सरकार का झटके पर झटका। अक्टूबर की पहली तारीख रही महंगाई के नाम, एटीएम से भी अब नहीं निकलेंगे 40,000। सरकार ने अक्टूबर माह की पहली तारीख को ही एक बार फिर आम नागरिकों को झटका दे दिया है, तो ईंधन कंपनियों ने भी आम आदमी की जेब काटने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। एसबीआई ने भी एटीएम से पैसा निकालने में नया नियम लागू कर दिया, तो पीएनबी ने भी होम लोन महंगा कर दिया है। आज 1 अक्टूबर को एक बार फिर महंगाई ने जनता पर अटैक मार दिया। पेट्रोल जहां 92 रुपये को छूने वाला रहा, वहीं सब्सिडी वाला रसोई गैस सिलेंडर 2.89 रुपये महंगा हो गया, जबकि बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर 59 रुपये महंगा हो गया है। नोटबंदी के 3 माह बाद स्टेट बैंक ने नियम बना रखा था कि एटीएम से 40,000 रुपये तक ग्राहक रोज निकाल सकता था, लेकिन अब ग्राहक एक बार में केवल 20,000 रुपये ही निकाल पाएगा। वहीं दूसरी ओर पंजाब नेशनल बैंक ने ऑटो और पर्सनल लोन लेना महंगा कर दिया। इसके साथ ही जीएसटी के तहत टीडीएस कटेगा। इसमें बताया गया है कि 2.5 लाख रुपये से ज़्यादा के गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई पर 1% टीडीएस कलेक्ट करना होगा। इसके साथ ही राज्य के कानूनों के तहत 1% टीडीएस कटेगा। इसके अलावा जन सामान्य के लिए राहत भरी खबर यह है कि बचत योजनाओं पर अब ज़्यादा ब्याज मिलेगा। वहीं किसान विकास पत्र व सुकन्या समृद्धि योजना पर पहले से 0.40% तक ज़्यादा ब्याज मिलेगा।